आज हम फिर सब अपने टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। टेंस की पहचान सेल विल हैव थर्ड फॉर्म सेल विल हैव और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब shall have been me उसके साथ shall have been me उसके साथ will have been अन्य ऑब्जेक्ट के साथ जैसे एग्जाम्पल ही विल हैव टोटस ही विल हैव टोटस इसमें ऑब्जेक्ट आ गया अस अस को हम लाएंगे वी के साथ क्या रहेगा सेलरविन वी सेल हैव बीन टोट हड़कों में है बाय ही का हिम ही का हिम वी सेल हैव बीन टोट बाय हिम ये अफर्मेटिव सेंटेंस सी विल हैव टोल्ड ए स्टोरी उसमें ऑब्जेक्ट आ गया ए स्टोरी इसमें आएगा विल हैव बीन ए स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड बाय सी का हर अब नेगेटिव सेंटेंस She will not have made a mistake. A mistake. इसमें आएगा will have been. Will आएगा will के बाद not और not के बाद have been. Made का made third form है. By C का her. He will not have guided us. इसमें ऑब्जेक्ट आ गया us. us को यहां लाएंगे we. we के साथ क्या आएगा shall have been. shall के बाद not आएगा और फिर आएगा have been. guided by he का him. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल यू हैव इटन फूड
ऑब्जेक्ट आ गया फूड, तो फूड के साथ आएगा विल। विल यू हैव इटन फूड, तो ऑब्जेक्ट आ गया फूड, तो फूड के साथ आएगा विल। विल फूड हैव बीन इटन बाय यू का यू और प्रश्न आ सकते हैं। विल सी हैव प्लेड ए गेम, ऑब्जेक्ट आ गया ए गेम, इसलिए आएगा विल। विल ए गेम हैव बीन प्लेड बाई सी का हर। अब अपन समझेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। Will she not have opened the gate? इसमें आएगा will, फिर आएगा object the gate, और फिर not, और not के बाद have been opened, और फिर by, सीका हर, सीका हर। विल द गेट नॉट हैव बीन ओपन्ड बाय हर, सीका हो गया हर। शैल आई नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया ए मिस्टेक, इसलिए सेल नहीं आएगा विल आएगा। विल ए मिस्टेक विल नॉट, और फिर आएगा हैव बीन, मेड की तरफ मेड बाई आई का मी। ये हो गई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। अगली पैसिव वॉइस अगली वीडियो में पढ़ेंगे।